या हाई क्लास, एक अफोर्डेबल और सुंदर घर का सपना सबका होता है, वो भी अपने बजट में। लेकिन रियल एस्टेट के चैलेंजेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। देश का बजट आने वाला है, ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें, सेक्टर के चैलेंजेस और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, इस पर होगी एक खास बातचीत। हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट, हीरा नंदानी ग्रुप के को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरा नंदानी। ही इज अ वेल नोन नेम इन द रियल एस्टेट बिजनेस। मेरा पहला एक बहुत बेसिक सवाल है कि बजट में किस तरीके से हाउसिंग डिमांड को एड्रेस किया जा सकता है। बहुत खुशी है आपके साथ शरीक होने में, और हम ये बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में काफी तरक्की हो रही है। लेकिन एक चिंताजनक बात भी है, वो है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ कुछ गिरावट दिख रहा है डिमांड, तो उसके कारण हमें कुछ मोदी साहब को, निर्मला सीतारामन जी को एक रिक्वेस्ट करना है, विनती करनी है कि उनको कुछ बचा दिए। कैसे बचाए? एक तो आप देखिए, जो हम लोन लेते थे 6.5% पे, आज की तारीख में 8.5% हो, तो 20% 25% वहाँ ब्याज ही पड़ गया है। तो इसलिए जहाँ वो टैक्स डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख 3 लाख पे है, उसको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो लोन लेते हैं आज, वैसे ही उनका आपका ईएमआई बढ़ गया है, और ईएमआई बढ़ने से आपका जो बोझ लग रहा है अब अनअफोर्डेबल हो रहा है। इसलिए आज के तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कम होगी। सो फर्स्ट जो है वो टैक्स डिडक्शन जो होम लोन्स के ऊपर है, उनका ब्याज और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। सर, इससे रिलेटेड वन क्वेश्चन दैट आई हैव, जैसे आपने बोला कि सबके घर पे, सबके ऊपर छत रहनी चाहिए, तो अगर रेंटल हाउसिंग पॉलिसी ये इम्पोर्टेंट चैलेंज रहा है, अगर आने वाले बजट में कुछ इस पे कमेंट किया जाता है, तो आप कुछ उम्मीदें रख रहे हैं? ये मैं काफी 10 साल से मांग रहे हैं, लेकिन कुछ अब तक निर्मला सीतारमण जी कोई उसके ऊपर कुछ रिस्पांस नहीं दिया है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप दें। ज्यादातर आप देखें कि काफी लोग रेंटल घर में रहते हैं, और हमारा घर एक शहर में हो, दूसरे घर में हो, लेकिन जो घर रेंटल पर देना चाहते हैं उनको कुछ सहूलियत नहीं मिल रही, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको एक इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो आप एक सेगमेंट, एक सीमा तक बताएं कि आप रेंटल हाउसिंग रेंटल करें, तो अगले 5 साल तक आपको टैक्स फ्री बना दिया जाए। तो क्या हो जाएगा कि हमारे देश में, पूरे भारत में हमें रेंटल हाउसिंग आसानी से मिल जाएगा, और लोग ये चाहेंगे जो घर बंद करके रख लिए हैं, वो डरते हैं कुछ देने के लिए, तो उनको भी एक इंसेंटिव होगा। पूरे देखा जाए, पूरे देश में 10 लाख घर ऐसे हैं जो लोग बाहर किराए पर देना नहीं चाहते, और ये देना क्यों नहीं चाहते हैं? एक तो वो डरते हैं क्योंकि उनको रिकवरी नहीं मिलती है आसानी से, और दूसरी बात रहती है कि पैसे भी टैक्स लग जाए, तो हम चाहते हैं कि वो टैक्स फ्री बना दे 5 साल के लिए, तो एक रेंटल हाउसिंग का एक टोटल तजुर्बा पूरे देश में बन जाए, एक हम क्रिएशन ऑफ रेंटल हाउसिंग स्टॉक कर दें, और ये रेंटल हाउसिंग स्टॉक एक बार बन जाए तो कोई भी शहर में चले जाएंगे तो उनको आसानी से घर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रेंटल पर दे देंगे। तो ये दोनों बात करनी चाहिए कि उनको टैक्स फ्री बना देना चाहिए 5 साल तक, और ये वह है कि जो लोग लेते हैं उनको आसानी से। एक दूसरी बात भी है कि हमारे जो लोकल अथॉरिटी है वो और सोसाइटीज हैं, वो सब ज्यादा टैक्स लगाते हैं कि आप किराए पर घर दे रहे हैं, ओ आपको ज्यादा चार्ज करना चाहिए, आपका मेंटेनेंस चार्ज हम बढ़ा के ले लेंगे। उनको ये बताना चाहिए कि आप रेंटल पे दे तो आपका कोई आउटगोइंग सोसाइटी को बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसे एक कुछ राहत देने की आवश्यकता भी है। सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता होगा, जीएसटी रिफॉर्म्स खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री के लिए कितना जरूरी होता है बजट, और इसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो जीएसटी लग रही है 5% की, आप घर खरीदते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ऐसे भी घर आप अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों खरीदते हैं? आप खरीदते हैं क्योंकि आपके पास ऐसे पैसे नहीं है कि आप एक साथ में पैसे दे, तो आप इंस्टॉलमेंट में खरीदना चाहते हैं, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पहले लेते हैं, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पहले घर पर आप खरीदते हैं तो आपको 5% जीएसटी एक एडिशनल कॉस्ट लग जाता है।
स्टैम्प ड्यूटी तो वैसे ही लग रहा है 5%, 6%, 7%, कोई कोई शहरों में 10% तक है, तो वो तो एक लग रहा है, तो ये 5-7% गिने और 5%, तो 12% तो अपफ्रंट देना पड़ता है। आप 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दें, लेकिन आपका सपोज मकान 40 लाख का है, तो आपको 10% 4 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बिल्डर को दे, 4 लाख रुपया सरकार को पहले देना पड़ता है। तो ये नामुंसाफी है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जीएसटी को नहीं लगना चाहिए, और लगना भी चाहिए तो कुछ दूसरे तरीके चाहिए, जहां हम वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्डर को मिल जाए तो वो उसका बोझ जो खरीदते हैं उनके ऊपर नहीं लगे। सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर आपके हिसाब से कितना अहम रोल प्ले करेगा? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे नीति आयोग ने एक अंदाजा निकाला था, एक 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि आज अभी 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में हमारा रियल एस्टेट का भाग जो है वो 7% है, और 5 ट्रिलियन डॉलर जब भी इकोनॉमी बनेगी तब रियल एस्टेट का भाग 20% होगा। तो बहुत ही, ये लगभग हम समझते हैं कि 10-15% कंपाउंड ग्रोथ, नहीं 20% कंपाउंड ग्रोथ रियल एस्टेट होगा तो ये आंकड़े पर हम पहुंच पाए। तो मेरे अंदाज से बहुत भारी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 15-20% के आसपास में तो भाग होगा ही रियल एस्टेट को। और उसका एक दूसरा फायदा है क्या, रियल एस्टेट काफी लेबर इंटेंसिव काम है, तो आज की तारीख में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, मोदी साहब और ये सब चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इसमें कम हो जाए या निकल जाए, तो रियल एस्टेट एक ऐसे माध्यम है, ऐसे एक काम है जहां हम पूरे लोगों को स्किलिंग करने के बाद उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और काफी हम उन लोगों को नौकरियां भी दे सकते हैं। बस लास्ट बहुत छोटा सा आंसर मुझे चाहिए होगा इसका, अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट को अगर रीडिफाइन किया जाता है तो इससे आपको क्या लगता है, डिमांड बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी नहीं पड़ेगी, नहीं, डिमांड तो बढ़ने वाली है, ये देश में तरक्की जो हो रहा है वो डिमांड की बात मत करिए, लेकिन जो अनअफोर्डेबल सेगमेंट लोग हैं उनको अफोर्डेबल बनाइए। क्योंकि क्या हुआ है कि हमारे मुंबई जैसे शहर में आपका रेडी रेकनर रेट आप देखते हैं तो वहां 1 करोड़ से कम तो अफोर्डेबल सेगमेंट ही नहीं है, तो ये जो 45 लाख रुपए हैं उनको 1 करोड़ रुपया एटलीस्ट मेट्रोपोलिटन टाउन्स के लिए करने चाहिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू एंड और सेंड अ मैसेज अक्रॉस, दो दिस इज अ इंटरिम बजट, इन अ इंटरिम बजट, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहे? आई थिंक अ बूस्ट फॉर हाउसिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलीफ टू डेवलपर्स फॉर मेकिंग दिस हैज टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द रियल एस्टेट थिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू रीच द 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी एंड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ सेक्टर वेयर टैक्स फ्री नेचर फॉर 5 ईयर्स शुड बी डन for the purposes of construction of housing. If that happens, the multiplier effect will generate so much money and so much employment and so much benefit to the government in terms of stamp duty, taxes, multiplier effect, GST, that it is unbelievable. So their income tax should be removed. Thank you, अपने समय देने के लिए। ये थे निरंजन हीरानंदानी from हीरानंदानी Group. इन्होंने तो सेक्टर की उम्मीदें हमें बता ही दी हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं हमें जरूर बताइएगा। We'll meet you in the next episode of Budget की बात CXO के साथ। Till then, keep watching Zee Business.